हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नौ पाक विस्थापित को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित। जिला कलेक्टर ने मिठाई खिलाकर दी बधाई। बाड़मेर राज्य सरकार की ओर से बाड़मेर जिले में रहने वाले नौ पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, जिन्हें शुक्रवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान वरिष्ठ उप शासन सचिव गृह विभाग भवानी शंकर भी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर कार्यालय में शुक्रवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु ने पाक विस्थापित अनुकोर बाई आम सिंह निवासी सरदारपुरा, सहजी रूपो निवासी पीपाजी मंदिर के पास सरदारपुरा, मोती सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी सरदारपुरा, मुनवर कंवर नरसिंह निवासी लक्ष्मी नगर, वालजी सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी वन विभाग के पास सरदारपुरा, पीरदान सिंह निवासी बेरियों का वास, पसत कंवर पत्नी देवी सिंह निवासी खूम सिंह की दाणी रोहिली, मोल कंवर पत्नी अनवर सिंह निवासी बेरियों का वास तथा नारायण सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी सरदारपुरा को भारतीय नागरिकता के मूल नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों को मिठाई वितरण कर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय नागरिकता मिलने के बाद उन्हें भारत के नागरिक के सभी अधिकार मिलेंगे। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि जिले में निवासरत पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के संबंध में विशेष कैंप का आयोजन 28 एवं 29 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर भगवान महावीर टाउन हॉल में किया गया, जिसमें राज्य सरकार की ओर से नियुक्त प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ उप शासन सचिव गृह विभाग भवानी शंकर उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए जिला कलेक्टर लोकबंधु इन्होंने ये कहा, लोगों को नागरिकता दी गई। आमेर में जो कैंप था, होम डिपार्टमेंट से डिप्टी सेक्रेटरी साहब भी पधारे हैं। ये इसलिए था कि जो पाक विस्थापित हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, अगर उनके आवेदन लेने या आधार बनने या नागरिकता में कोई समस्या आ रही है उसका निवारण किया जाए, और समस्या भी की जाए, समस्या का लेकर उसका निवारण किया जाए। इसको लेकर नागरिकता मेरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो चुका है, उनको नागरिकता भी आज दी गई है। कोई अभी 5 प्रकरण में नागरिकता दी गई है, और भी कुछ प्रकरण तैयार हो रहे हैं, उसके बाद उनको भी नागरिकता दी जाएगी। और कुछ केसेस में LOA जारी किया गया है, अगर वो उसके बाद अपना पासपोर्ट सबमिट कराएंगे पाकिस्तान एम्बेसी में, उसके बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। लंबित प्रकरणों को लेकर कितनी गंभीरता से किया जाए आगे, जैसे नागरिकता प्रकरण है वो अब हमारे यहाँ सिर्फ वही लंबित प्रकरण रह जाएंगे। अब जिनमें या तो कोई रिपोर्ट पेंडिंग है IB की या CID की या पुलिस की, या फिर जिनको अपना पाकिस्तान एम्बेसी में जाके अपना पासपोर्ट जमा कराना है, फिर वही प्रकरण अब लंबित रहेंगे, उसके अलावा कोई प्रकरण अब लंबित नहीं रहेंगे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।